सना खुश आमदेद। और आप जानते हैं, आप इस माहौल ही जो आपने सुना है इस धुन में, उसी से आप फौरन समझ गए होंगे कि ये सेगमेंट किस मुतालिक है। और ज़ाहिर है इस एतबार से तो अहम तरीन सेगमेंट के रमज़ान में तो सारा मामला ही दूसरों की मदद करने का, मतलब मदद का लफ्ज़ भी मुझे ज़रा अजीब से लगता है, दूसरों का एक सहारा बनने का, एक सपोर्ट करने का। तो ये हमारा सेगमेंट है सिर्फ एक्सेल नेकी। और इकरार भाई हैं हमारे साथ जनाब। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं आपको, ये आज के इस सेगमेंट में शायद हम सबको सबक मिले कि वो वैसी होती नहीं है। हाँ, पसे पर्दा बिल्कुल अलग कहानी और किस्सा और दास्तान होती है जो हमें बज़ाहिर पर्दे पर नज़र आ रहा होता है। अभी जो पैकेज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे उसमें ये आप देखेंगे कि एक ऐसा बाप जिसे हम एक जालिम और एक सफाक बाप समझ रहे थे कि जो अपने बच्चों को घर में कैद करके चला जाता है, ताला लगा के चला जाता है, और बच्चे भी कोई बड़े बच्चे नहीं हैं, 3 साल से 7 साल की उम्र के दरमियान 4 बच्चे हैं ये, जो कि शायद ठीक से कोई ज़ख्म लग जाए तो किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी भूख का भी इजहार नहीं कर सकते, अपनी प्यास का इजहार भी नहीं कर सकते। लेकिन मामला था क्या वो अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं, और अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, सब जिस तरह आपने कहा भाइयों के तौर पर एक बिरादराना काविश हो सकती है। तो ज़रा पैकेज देखिए और फिर हम आपको उस वालिद से मिलवाते हैं कि जिसे हम समझ कुछ और रहे थे लेकिन कहानी असल में कुछ और थी। हमें खबर ये मिली थी कि कराची में रेलवे लाइन के करीब मौजूद बस्ती में एक बाप अपने 4 मासूम बच्चों को रोजाना घर में कैद करके जाता है और रात गए वापस आता है। मासूम बच्चे ताला लगे लोहे के दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकाल निकाल कर कभी अहले मोहल्ला से पानी मांगते हैं और कभी खाना। अच्छा बताओ बेटा क्या क्या खाओगे आप? केक। और आप क्या खाओगे? केक। ये बहुत सारे। आप भी केक खाओगे? हाँ, ये भी बहुत सारे। हम जब इन 4 नन्हे मुन्ने बच्चों को इनके अपने ही बाप की कैद से रिहा करवाने पहुंचे तब भी इस एक कमरे पर मुश्तमिल मकान पर ताला पड़ा था और मासूम बच्चे दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकाल कर अपनी भूख मिटाने को कुछ मांग रहे थे। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 4। चारों अंदर ही हो? हाँ। तो ऐसे ही बंद करके जाते हैं बाबा? हाँ। तो आप लोगों के खाने पीने का कौन इंतजाम करता है? मोहल्ले वाले भी? खाना दे दो। भाई पहले तो उनके लिए कुछ लेके आओ यहीं से खाने पीने के लिए, जाओ जल्दी 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 भाग के। हमने अहले मोहल्ला से इन 2 साल से 7 साल के 4 कैदी बच्चों के बाप का नंबर लेकर उसे बहाने से बुलाया। उसके आने तक अहले मोहल्ला ने हमें जो बताया उससे हमारे जहनों में इन बच्चों के बाप के जालिम और सफाक होने का तासुर बदल गया और वो हमें एक मजबूर और लाचार शख्स नजर आने लगा। मोहल्ले वालों ने बताया कि इन बच्चों की माँ जहनी मरीजा थी जो कुछ अरसा पहले घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। इन बच्चों का बाप जो रिक्शा ड्राइवर है अपनी बीवी को ढूंढने और बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलता है तो मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को किराए के कमरे में बंद करके निकलता है, इसलिए कि उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं। इसकी माँ यानी बच्चों की दादी पिछली ही गली में एक कमरे ही में रहती है, वो भी बच्चों को अपने साथ रखने पर तैयार नहीं। सो बाप के पास बच्चों को ताला लगाकर बंद करके जाने के सिवा कोई चारा नहीं। बाप है वो बेचारा, जाता है सुबह, जाता है 10-11 बजे, इनको नाश्ता वाश्ता करा के शाम को भी अभी आ जाएगा मेरे घर 6-6:30 बजे तक। इनके साथ बच्चों का सलूक ठीक है बाप का? हाँ, बाप का तो सही है, लेकिन ये कि वो बच्चे अल्लाह रहम करे अंदर कोई बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई ऐसा बाहर से ताला लगा हुआ था ना, ये भी एक परेशानी वाली बात है। जैसे वो निकल गई है इसकी माँ बच्चों की बेचारे, तब वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिली, वापस आ गया, अभी ताला लगा के जाता है, फिर शाम को आएगा, खाना वाना लेके आएगा बच्चों के लिए, रक्षा चलाता है। हमने मकान का ताला तोड़ा तो पता चला कि हम जिसे मकान समझ रहे थे वो तो महज एक कमरा है, सामान से मुकम्मल खाली कमरा। खुदाए वाहिद की कसम, इतना खाली मकान मैंने आज तक जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत ही बुरा हाल है यार, घर का भी बस यहीं पे रहते हो आप लोग? हाँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके पास?
क्या हाल है आपका? सही है। क्या नाम है आपका? इस्माइल है। आपके लिए अभी चीजें मंगवाई हमने, खाने के लिए भी और आपकी गुड़िया भी और सब चीजें, ठीक है ना? हाँ। तो आप सोते किधर हो आप लोग? ऊपर सोते हैं। अभी ऊपर जाके आपको कमरा देखें जहाँ सोते हो आप? आओ दिखाओ। देर में बच्चों का बाप भी आ गया, जिसे हम कुछ देर पहले तक संगदिल और सफाक समझ रहे थे। जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे कसूरवार ठहराएं। अभी मैं निकल के गया हूं, अभी 5 मिनट हुआ, ये खाना पड़ा है। ये देखिए, ये खाना पड़ा है, ये आलू कीमा मैं होटल से लेकर आया हूं, ये रोटी होटल से लेकर आया हूं, ये अभी खिला के गया हूं। अब मैंने रिक्शा चलाने के लिए अब जा रहा था, मैं सारी रात टेंशन रहती है, अगर मैं मर जाऊंगा तो ये बिल्कुल ही फिर यतीम हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं देखेगा, ना मेरी माँ देखेगी ना मेरे भाई देखेंगे। जो आपकी वाइफ आपकी वाइफ को मसला था, दिमाग ही तवादुन उसका खराब हो गया था, मेरी एक बेटी फोत हो गई थी ना अभी बीच में, और गाड़ी चलाता हूँ मैं, ऑटो चलाता हूँ, ऑटो के बावजूद भी मैं रोड के ऊपर ऑटो कम चलाता हूँ, मगर दाएं बाएं सब जगह नजर घुमा रहा होता हूँ कि शायद मुझे कहीं नजर आ जाए, शायद मुझे कहीं नजर आ जाए। अभी भी 1,20,000 रुपये मेरे ऊपर किराया चढ़ा हुआ है, मेरे मालिक को कर खानदानी आदमी है, बोलता नहीं हो, उसकी भी मेहरबानी है। इलाके में सब जितने मेरे से घर खाली करवाने की कोशिश करी, लाली दिया कि हम 10,000 किराया देंगे से घर खाली कराओ, उन्होंने बोला मैं क्यों करूँ, परेशान है बच्चा 14 साल से रहना, कभी रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ, 1.5 साल से रिकॉर्ड खराब हुआ। और 1.5 साल में क्या हुआ? यही वाइफ का मसला, परेशानी, इसी के चक्कर में। ये तो मुझे मालूम है कि मैं किस तरीके से अपना सर्कल चला रहा हूं। शहजाद की जिंदगी में गुर्बत भी है, बेबसी भी, अपने बच्चों को रोजाना ताला लगाकर बंद करके जाने का दुख भी है, और जहनी मरीजा बीवी के बिछड़ जाने का सदमा भी। आज हम शाने रमजान के नेकी सेगमेंट का आगाज एक ऐसे मुश्किल और हल तलब मसले से कर रहे हैं जिसने हमें भी हिला कर रख दिया है। आइए सब मिलकर शहजाद की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी के सदके कायनात का सबसे बड़ा मुश्किल कुशा रब्बे दो जहां हम सब की मुश्किलात को आसान कर दे। जितनी देर ये पैकेज चल रहा था, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बच्चे जो 4x4 के एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाँ, और ताला लगा हुआ होता है, बाहर की दुनिया से ना आशना है, उनके लिए ये सेट कितनी बड़ी नेमत है। जी हाँ जी, जिस तरह वो हर कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है कि वो यहाँ से एक खुली दुनिया में आ गए हैं, एक खुली जगह है, खुली फ़जा है, वरना वो वही ताला और उसके नीचे से सिर्फ हाथ बाहर निकाल सकते हैं या आँख बाहर निकाल के देख सकते हैं। तो बज़ाहिर में लगता था कि बड़ा गलत फेल है अपने बच्चों के साथ, लेकिन इसके अलावा क्या ऑप्शन है एक बाप के पास कि जिसको रोजी कमाने भी बाहर जाना है, अपनी बेगम को, बीवी को ढूंढने भी बाहर जाना है, और बदकिस्मती से बच्चों को खुला छोड़कर भी नहीं जा सकते, बच्चों की उम्रें ऐसी नहीं है कि वो खुद को संभाल सके। हालांकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है भाई, समझदार है, तो बहुत ही इस तरह से बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शुमाइला तो बहुत ही समझदार बच्ची। कैसी हैं आप? इस तरफ है हमारा कैमरा सामने। पढ़ना आपका दिल चाहता है स्कूल जाने का? अभी स्कूल गई कभी आप? नहीं। नहीं गई स्कूल? नहीं। क्या बनना है अगर आपको स्कूल भेजे हैं तो, बड़े होके क्या बनोगी? पढ़ूंगी। पढ़ोगी? हाँ। और पढ़ के क्या बनोगी? खाना पकाऊंगी। खाना बनाओगी? चलो ठीक है, आप बैठो बाबा के पास। कैसे हैं आप? खैरियत से? कोई आदमी इतनी मुश्किल में भी हो सकता है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपने 2 साल के बच्चे को, अपनी 7 साल की बच्ची को ताला लगा के छोड़ के जाना पड़े। और जब आप रिक्शा चलाते होंगे, मुझे नहीं अंदाज़ा, एक तो बीवी को तलाश करते हैं कराची की सड़कों पर, और पीछे जहन में कि बच्चे घर पे अकेले हैं। कैसे गुजर रहा है वक्त आपकी ज़िंदगी में? ऐसे गुजर रहा है क़यामत की तरह। ओए ओए ओए, क्या हो गया, क्या हो गया?
चुप हो गया फौरन, क्या बात है। अच्छा अब ये देखें, जिस तरह अभी यहाँ पे एक बच्चे ने एक बच्चे को धक्का दे दिया, और घर में अगर इसी तरह किसी 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 नुक्कड़ पे लग के चोट लग गई, कोई जख्म आ गया, कोई खुदा ना खास्ता और परेशानी हो गई, जिस तरह आपके घर के ऊपर के हिस्से में आग भी एक बार लगी, तो उस परेशानी में तो अल्लाह रहम करे बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत कुछ समझ लो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दिल, तो सिर्फ दिल पे धड़का लगा रहता है, लगा रहता है। जब मेरे को कोई परेशानी होती है एक मेरा दोस्त है रहमत, समझ लो वो नाई है, बाल बाल काटता है, वो उसको मैं फौरन जो है ना मिस कॉल मारता हूँ, वो फौरन फोन करता है, पूछता है क्या हुआ। मैं उसको कहता हूँ यार वो ज़रा घर की तरफ नज़र तो मार के आ, कहीं लाइट वाइट तो नहीं गई, मेरे दिल में थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। वो फौरन अपनी दुकान से निकलता है, सीधा मेरे घर की तरफ जाता है, देखता है नीचे से साइड से, बच्चों को देखता है, बच्चे अगर ऊपर होते हैं तो उनको आवाज़ देता है, सब ओके। लेकिन फिर वो मुझे आके बताता, गर्मी में छोटा सा मैंने देखा है, बिल्कुल शायद 4x4 फुट का होगा, 5x5 फुट का कमरा होगा, इतना ही उसके ऊपर भी इतना ही वो एक, यानी किसी भी मैं घर में गया हूँ, गुर्बत से गुर्बत भी होती है तो कोई एक पतीली, कोई एक चूल्हे का सामान, कोई नमक मिर्च, कुछ ना कुछ पड़ा होता है, होता है, होता है। मैंने जिंदगी में सामान से इतना खाली घर नहीं देखा, नहीं देखा। कि इसलिए कि जिस तरह बच्ची की भी ख्वाहिश है कि वो कुछ पकाए, कि उसके घर में कुछ पके, बोलती है वही, आप देखिए ना यकीन करें, हर चीज़ थी दुनिया की, कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ थी, बर्तन थे, पतीलियाँ थे, बिस्तर थे, तकिए थे, यहाँ तक टीवी भी था, बाकी वॉशिंग मशीन नहीं थी, इस्त्री भी थी, सारा कुछ ही। मेरी वाइफ जो है ना बस दिमागी तवाज़ुन से, इन बच्चों से मालूम कर लो, ये बच्चे बताएंगे कि सामान घर का कौन बेचता रहा है, शुमाइला से पूछ लो, ये जुएब से पूछ लो, सुहेल से पूछ लो। मैं काम पर निकल जाता था सुबह के टाइम में, अकेला अकेला महसूस नहीं करते, सारी इतनी भरी दुनिया है और बच्चों का सहारा बनने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, अल्लाह क्या, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। बाकी मेरी माँ है, करती हैं देखभाल, मगर मेरे बच्चे भी मेरी वाइफ की तरह, इनका भी दिमाग ऐसे ही है कि ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना बैठते हैं, ना आराम करते हैं। नहीं लेकिन बच्चे बेचारे जब बंद रहेंगे तो जाहिर है उनकी तरबियत या उसमें इस वजह से बच्चे जो लोग देख रहे हैं उनसे हम क्या रिक्वेस्ट करें? एक तो जिस तरह आपने बताया कि कर्जा है आप पे, घर का किराया नहीं दे सके आप, और मालिक मकान को भी सलाम है कि उसने 1.5 साल से आपको जो है वो एक छूट दे रखी है, नाइस आदमी है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जितनी उसकी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। और इसके अलावा रिक्शा जो आप चलाते हैं वो आपका अपना है? नहीं भाड़े का है। भाड़े का मतलब किराए पे आप? हाँ। और कितना किराया देते हैं? 300 रुपये। तो अगर रिक्शा आपका अपना हो जाए तो थोड़ी सी जिंदगी में हाँ, थोड़ी सी आसानी हो सकती, चेंजिंग हो जाएगी, और कम से कम किराया देने के पैसे हो जाए, और बच्चों की तालीम का कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए जहाँ पे ये जो लोग देख रहे हैं सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये बज़ाहिर लगता था कि बड़ा संग दिल बाप जो ताला लगा के अपने बच्चों को जाता है, और ये बच्ची इतनी इंटेलिजेंट के बदामी साहब सुख से बात कर रही है, ऐसी ओए होए होए दोस्ती हो गई हमारी, अगर इसे मौका मिले ओए होए भाई कमाल, तो इस जिंदगी में क्या नहीं कर सकती। हाँ हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ाहिर माली तौर पर तो जो मुआवनत हम कर सकें वो ज़रूर ज़रूर करें, इसलिए कि बच्चों के जहाँ ये रह रहे हैं ऐसा ना हो कि वहाँ से भी निकाल दिए जाएं। घर का किराया तकरीबन 1.5-2 बरस का बाकी है, 1,20,000 के करीब, अगर अच्छा। उसका इंतज़ाम हो सकता हो, अगर कोई बंदा है खुदा रिक्शे की जिम्मेदारी है, सब लोग मिलके एक रिक्शा ले सकते हो जो कि तकरीबन 2 लाख रुपए अच्छा में, 2 से 2.5 लाख रुपए में मैनेज किया जा सकता है, तो कम से कम एक रिक्शा अपना हो जाए और बच्चों की तालीम का जिम्मा किसी तरह से कुछ कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। प्लीज़ आपके स्क्रीन पर नंबर भी आ रहे हैं, आप भी सोचिए कि क्या किया जा सकता है इस फैमिली के लिए। सच्ची बात यह कि इस लम्हे तक मुझे नहीं पता कि हम क्या, हम ये तो कह नहीं सकते कि आप घर बैठ जाएं, कमाना छोड़ दें, या ये कि बच्चों को कहाँ पे छोड़ें, फैमिली का मेंबर कोई ऐसा है नहीं जिसके पास ये बच्चे रह सकें, तो मैं नहीं जानता। अगर कोई मशवरा भी आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करके बताएँ कि इस ख़ानदान का या इन बच्चों का ये हो सकता है क्या हो सकता है।
मिसाल के तौर पर ऐसे एक बात अभी जहन में है कि मसलन जहाँ ये रहते हैं उसी के बाहर अगर कोई छोटी मोटी कोई दुकान हो जाए, कोई ठेला हो जाए, मिसाल बिल्कुल ऐसे इस तरह का कोई किसी और चीज़ पर गौर किया जा सकता है ना, तो घर के बाहर ही होंगे तो बच्चे भी नजरों के सामने ही होंगे, रोजगार का सिलसिला भी वही हो और बच्चे बच्चों को लॉक करके नहीं ऐसा कोई सिलसिला हो ऐसा किया जा सकता है। वही जो रिक्शे के लिए हमने दरख्वास्त की है उसके बजाय जो है वो हम कोई छोटी सी दुकान किराए पर ठेला जो भी केबन बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा मेहनत करने से तो नहीं घबराने वाले ना आप, रोजाना निकलते हैं बच्चों के लिए खाना लेकर भी आते हैं, बच्चों को खाना खिलाते भी हैं, बच्चों के कपड़े भी खुद धोते हैं। अच्छा, बच्चों का बहर है, हमने इनसे पूछा बच्चों से कि अब्बा प्यार करते हैं, बच्चे सारे समझते हैं। ये मैंने भी बात की, ये मुझे गिफ्ट में दो, गिफ्ट तस्वीर खिंचवाए, गिफ्ट देते हैं कैमरे की तरफ देखो, वो वाले वो चश्मे वाले अंकल है ना, सारे बरनी साहब ये तस्वीर आ गए हमारी, मशवरा करते हैं, उनकी कॉल आई है अभी सारे भाई साहब की, चूंकि वो ऐसे मामला देखते रहते हैं। सारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे भाई बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी एक बाप है और वो ताला लगा के जाने पे मजबूर है अपने बच्चों को, क्योंकि वो रिक्शा चलाता है और बच्चे भी आप अगर स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो तो सबसे बड़ी बच्ची 7 साल की है, उनके लिए जिंदगी इस वक्त जो है ना वो जब वो कमरे से निकले तो समझे उनको बस ये नहीं संभालना इसलिए मुश्किल हो गया है कि वो पहली बार शायद उन्होंने एक आज़ाद फ़ज़ा में खुले माहौल में सांस लिया है, वरना बस वो दर्ज है एक लोहे की टूटे हुए दरवाजे की और उसके नीचे से बस वो हाथ निकाल के खाना और पानी मांगते हैं अहले मोहल्ला से, तो क्या किया जा सकता है इन बच्चों के लिए? जो मैंने देखा और सोचा वो मैं आपको बताता हूँ, और सबसे पहले ये कहूँगा नेकियों का महीना, इसको नेकी से शुरू करना चाहिए और इसकी बीवी को इंशाल्लाह ढूंढते हैं हम, और वो मिल गई तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे और इसके घर को दोबारा आबाद कराएंगे, इन केस नहीं मिलती तो इन बच्चों के लिए कोई ऐसी माँ का इंतजाम करें जिसमें एहसास हो, जो ये सोच क्या है कि मैंने नेकी के लिए शादी कर ली है, हम इसकी शादी कराएंगे, इस बंदे को जैसे रोजगार के लिए कहा वो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इन बच्चों की तालीम की वो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जब तक पढ़ना चाहें बच्चे ये पढ़ सकते हैं, इसको टोटली सारे बड़ी तरह सपोर्ट करेगा। रही बात किराया या दीगर चीजें वो मैं आपके हवाले करता हूँ, क्योंकि आज से मैं इसकी तमाम जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल जज़ाकअल्लाह। ये रोजगार की, इन बच्चों की माँ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ मकसद एक अच्छे इंसान होने के नाते कर सकते हैं ना, वो करेंगे इंशाल्लाह इनके लिए। बिल्कुल ठीक है सारे भाई, अगर आपको ये हम बताते हैं कि एक बंदा है जो 4 बच्चे अपने बंद करके जाता है रोजाना ताला लगा के अपने घर के अंदर, तो कैसा महसूस करते हैं आप उस बंदे के बारे में, क्या ख्याल होता है आपका पहला कि मिलेगा तो क्या करेंगे? मैंने तो बहुत कुछ देखा सोचा है, हाँ लोग जो है वो समझते हैं कि शायद कोई जुल्म हो रहा है, लेकिन हर जगह जुल्म नहीं होता, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं लोगों के साथ जो हमें बाद में समझ में आती हैं, लेकिन आपके साथ एक अच्छी चीज की जरूर कहूंगा, तारीफ करूंगा कि आपको जो चीज अगर आप गए हैं जुल्म समझ के लेकिन आपको लगा जुल्म नहीं है तो फिर आप उस अंदाज से दिखाते हैं कि नहीं ये जालिम नहीं है ये मजलूम है, बिल्कुल। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हमें फिर हम सबको उसके आगे जो है ना सपोर्ट भी करनी चाहिए, सिर्फ देख के या अफसोस करके या तारीफ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जजाकअल्लाह सारे भाई, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं डोनेशंस के लिए भी, और उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना डोनेट आप करेंगे उतना बर्डन कम होगा सारेम बर्नी ट्रस्ट पर, ज़ाहिर है सारेम बर्नी ट्रस्ट और भी बहुत सारे नेकी के काम कर रहा है, तो अगर आप ये सोच लें कि जी बस ठीक है उन्होंने कह दिया कि मैं हम शादी की जिम्मेदारी ले लेते हैं या इनकी बेगम को तलाश करने की जिम्मेदारी लेते हैं या रोजगार का जिम्मा लेते हैं, सही तो है। आपने अगर नियत कर ली अपनी नेकी की तो आप अपना हाथ मत रुकिए, इसलिए कि वो जो भी सारे बनी ट्रस्ट का खर्च कम होगा वो किसी और अच्छे काम पर खर्च हो जाएगा, तो आपके नामा आमाल में वो नेकी लिखी जाएगी। और वो जो आप कह रहे थे ना वो रिक्शे वाला मामला, तो यूँ इसको यूँ कर लेते हैं, अभी हाजी रऊफ साहब ने कॉन्टैक्ट किया हमसे, तो वो एक रक्षे वाला मामला वो तो हल हो गया, सही वो तो घर से हाजी रऊफ साहब इंशाल्लाह वो अरेंज कर दिया है उन्होंने इंशाल्लाह, तो ये हो सकता है ना, यानी कम से कम आपको बाहर जाके यानी आपके अपनी सवारी है तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे चले गए जब चाहे घर पे, ये नहीं है कि मुझे 300 रुपए देने हैं, किराया नहीं देना है, तो आपकी अपनी चीज वो हो जाएगी जज़ाकअल्लाह। फिर भी मेरा ख्याल है कोशिश हम वो भी करें कि साथ में अपना सेटअप भी हो जाए घर के बाहर, बिल्कुल ऐसा ही, और साथ में रक्षा भी ये रिक्शा किराए पे दे दें किसी, बहुत ही अच्छा हो जाए ताकि घर आमदनी आती रहे और घर पे भी ये काम करते रहे, बिल्कुल सही। ऐसा मिस मारिया है इस्लामाबाद से, उन्होंने दोनों बच्चों की तालीम का पूरा जिम्मा लेने का ऐलान किया, जज़ाकअल्लाह जनाब क्या बात है माशाल्लाह, और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये बेटी हमारी जो शुमाइला है इसको ज़रा बिल्कुल एक अच्छा माहौल अच्छी तालीम और तरबियत का एक सामान मुहैया कर दिया जाए
तो किसी भी दूसरी बच्ची का मुकाबला कर सकती है किसी भी मैदान में। परवरदिगार ने इसको इतनी सलाहियत दी है, इतना एतमाद दिया है, जिस तरह से बात करती है घबराती नहीं है बात करने में, माशाल्लाह पटाखा पटाखा। तो ये इन इन बच्चों के लिए हम सबको सोचना है। रिक्शे का भी इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम का इंतज़ाम भी हो गया, आपके किराए का भी इंतज़ाम हो गया। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई नीयत कर ली है, आपके जहन में कोई ख्याल है, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई मशवरा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे कॉल सेंटर्स जो हैं 24 घंटे ये ऑपरेशनल है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आप बैठे बैठे तशरीफ रखें आप, प्लीज़ प्लीज़ क्यों आप जाए, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत बेहतर होगा। एक हमारे मुस्तकिल डोनर हैं पाकिस्तान से, बाहर से, मुल्क नहीं बता रहे मुझे गलबन, 1,00,000 रुपए उनकी जानिब से अतिया किया गया फैमिली के लिए। तो चलिए वो भी जाहिर काम में आ जाएगा, इसका मैंने कहा वो बर्डन कम हो जाएगा सारे बनी ट्रस्ट पर। अल्टीमेटली थैंक यू, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। थैंक यू। और मुझे बड़े गिफ्ट दिए गए इस दौरान, हमारे सेट से उठा उठा तोहफे दिए, उन्हें तस्वीरें खिंचवाई हैं, ये एक बार बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। चले हम आप एक तालियां बजा दें भाई बच्चों के लिए, बहुत जबरदस्त सारे तोहफे आप सबके लिए, शुमाइला के लिए, हेब के लिए, तालियां बजा दो भाई, सब तालियां अपने अपने घरों में बैठे हुए सब तालियां बजा दो, जबरदस्त। ठीक है जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और शुमाइला आप तो छा गई है यार, वाह आपसे फिर मिलेंगे हम शायद नाम में दोबारा, चल रहे हैं मेरे दिमाग में, करते हैं कुछ इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। टेलीफोन लाइन जकाब ने बताया खुली हुई है, और बहुत सबको आप सबको भी खुशी होगी अगर ये बच्चे ज़्यादा बेहतर मामले परवरिश पा सकें, और ऐसा होगा इंशाल्लाह। यकुम रमज़ान है, नेकी का पहला सेगमेंट है सिर्फ एक्सेल नेकी, और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। है क्या हो गया, ब्रेक तो लेना, तो क्या वो आप हो? हाँ वो आप है, और वो क्लोजअप बनाए जरा, इनका क्लोजअप बनाइए जरा। आपके घर आया था, याद है आपको? हाँ। ये आए थे आपके घर? हाँ। ये भी आए थे? नहीं आए थे, नहीं आए थे। इनकी गाड़ी मैं चला रहा था, मैं ड्राइवर था ना इनका, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। इनको भी थैंक यू बोले, पापा भी गए थे, पापा भी गए, बाबा भी गए। चलो भाई शुमाइला के लिए बहुत सारी दुआएं, चले एक वफा लेते हैं इंशाल्लाह, सिर्फ एक सिर नेकी में एक ब्रेक लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर शाने इल्म के साथ हाजिर होते हैं।